डियर स्टूडेंट, आज मैं क्लास टेंथ का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। इस ऑप्शन में से बताना है कौन आंसर होगा। तो पहले देखिए, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 96 को पहले हम गुणनखंड करेंगे, यानी 2 से काटेंगे तो 4 × 2 = 8, 1 = 8 × 16, यानी कि 48 × 2 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48। फिर 2 से काटेंगे तो 12 × 2 = 24। फिर 2 से काटेंगे 6 × 2 = 12। फिर 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6। अब देखिए, कह रहा है कि 2 का अधिकतम घात, यानी कि इसमें काउंट करेंगे 2 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 की संख्या कितना है, 5 को, तो यानी कि 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 2 का घात पूछ रहा था, 3 का घात नहीं, 2 का, तो 2 का देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हुए, इसलिए इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि 72 का अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि 72 का अभाज्य गुणनखंड कौन है। देखिए, अब पहले गुणनखंड करेंगे 72 का 2 से, अगर 2 से काटेगा तो 3 × 2 = 6, 1 बचा तो 6 × 2 = 12, यानी 36 × 72, 2 से फिर कीजिए 18 × 2 = 36, फिर 2 से कीजिए 2 × 9 = 18, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9। अब देखिए, इसको चेक करना है कौन इसमें से आंसर सही है, यानी 2 × 2 होना चाहिए, फिर 2 × 2 = 2, फिर 3 × 3 होना चाहिए, यानी 3 × 2। अब देखेंगे 3 × 2 किसमें है, 1, 2, 3, और 3 × 3 यानी कि 2 × 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि देखिए 3 × 2 है और 2 × 3 आएगा। तो पहला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ 2 × 2 है, यहाँ कितना है, 2 × 3 है, चलेगा, लेकिन 2 3 यहाँ 2 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो 3 ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी किस रूप में लिखा जा सकता है। तो सेम चीज़ है, 140 का निकालेंगे गुणनखंड, 140 का गुणनखंड निकालेंगे तो कीजिए 2 से, 7 × 2 = 14, 70 × 2 = 140 हो जाएगा, फिर 2 से 35 × 2 = 70 हो जाएगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35। अब देखेंगे 2 × 2 फिर 5 और 7 किस में है, यानी 2 × 2 इसमें तो है, लेकिन फिर 2 × 2 के बाद कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इसके बाद 7 होना चाहिए, यानी 2 × 2 फिर 5 × 7, यानी कि ऑप्शन नंबर टू ये सही होना चाहिए, क्योंकि 2 × 2 आया है, 1 × 5 = 7 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम आपका क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 156 का और 120 का और 40 का, सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन टाइप के पूछ रहा है कि 140 यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना होगा, देना है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, फिर दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।